ज़ेब्रा फिंच में नर और मादा में फर्क करना बहुत आसान होता है। दोनों साइज में तकरीबन एक जितने, लेकिन नर के गाल के पर नारंगी, गर्दन पर काले रंग का कट, सीना सफेद और चोंच सुर्ख होती है, जबकि मादा की चोंच हल्के ऑरेंज कलर की होती है। ज़ेब्रा फिंच बहुत छोटे साइज का परिंदा है, लेकिन इसके लिए मटकी का साइज छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जिसको ये घोंसला बनाते हुए जल्दी फाड़ ना सके। आज मैं मटकी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। मटकी को आपने 7-8 घंटे के लिए पानी में डुबोकर रखना है। जब ये अच्छी तरह पानी से तार होकर नरम हो जाए तो इसको पानी से निकाल लें। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी किसी नुकीली बड़ी छुरी की या कैंची की। सबसे पहले पेंसिल से मटकी के ऊपर नीचे बराबर के फासले पर निशान लगा लें, फिर छुरी को इस तरह घुमाकर सुराख कर लें। अगर आपके पास छुरी बड़ी है या छोटी है तो फिर कैंची की मदद से इस तरह सुराख कर लें। अगर आप बिजली वाली ड्रिल से सुराख करेंगे तो सुराख और भी आसानी से हो जाएंगे। अगर आप बजरी पैड या लाभ बर्ड के लिए मटकी बना रहे हैं तो 2-3 सुराख काफी हैं। फिंच गर्मियों में ज्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं, इनकी मटकी हवादार बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद मेन होल के बिल्कुल नीचे आपने सुराख करना है। ये मेरी इजाद है, ये तरीका पिछले 10 साल से मैं फिंच, जावा, बजरी, लाभ बर्ड की कॉलोनी में कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मटकी में सुराख करने के बाद आप अपने लकड़ी को सुराख के मुताबिक ब्रीक करना है। स्टिक की लंबाई परिंदों के हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। सुराख में स्टिक लगाकर इस तरह हल्के से ठोंक कर फिट कर लें। बजरी और लाभ बर्ड के लिए कीकर या 7 किस्म की लकड़ी इस्तेमाल करें। फिंच और जावा के लिए नरम मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टिक की बजाय चौड़ी लकड़ी लगाना चाहते हैं तो वो भी इस तरह बनाकर लगा सकते हैं। ये भी परिंदों के लिए बेहतरीन है, स्टिक या चौड़ी लकड़ी जो आपको बेहतर लगे लगा सकते हैं। कोशिश करें ऐसी मटकी लें जिसका मेन होल थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, क्योंकि ये बड़ा फुर्तीला परिंदा है। जब घोंसले से उड़ता है तो छोटे बच्चे इनके पैरों के साथ चिमड़कर बाहर गिरकर एक्सपायर हो जाते हैं। स्टिक को आप इस तरह भी लगा सकते हैं। बंजीज पैरट ऐसी स्टिक बहुत पसंद करते हैं। टी बनाकर भी लगा सकते हैं और क्रॉस बनाकर भी लगा सकते हैं। जिस तरह आपको बेहतर लगे आप लगा लें। आप अपनी कॉलोनी के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं।